हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टी एस टेट एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 के मैथ का क्षेत्रमिति चैप्टर चल रहा है, उनमें से आपको फर्मूला हो चुका है। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं आप लोग को एक्सरसाइज का। आगे हम और उस पर आधारित क्वेश्चन हम बताते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, क्षेत्रमिति का फर्स्ट चैप्टर में, और किस टाइप का क्वेश्चन आपको एरिया में पूछे जाते हैं वही हम आगे बताते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमको दिया हुआ है दो गो वृत्त, दो गो जिसका त्रिज्या 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमको दो गो छोटा छोटा वृत्त दिया हुआ है, एक का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर यानी दो 8 और 6 सेंटीमीटर का दो गो वृत्त दिया हुआ है। त्रिज्या वाले 8 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गो वृत्त दिया हुआ है। ये अब क्या करता है कि दोनों वृत्त को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है, दोनों को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। तब क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये दोनों का क्षेत्रफल जितना है उतना ये पूरा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है। ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जितना आएगा वो बराबर हो जाएगा किसका, तो ये बड़ा वृत्त का, ये बड़ा वृत्त का। मान लेते हैं इसका त्रिज्या है R1, आई हो जाएगा आपका R2। हमको निकालना क्या है, कैपिटल R बराबर कैपिटल R का मान ज्ञात करना, नया वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना। सॉल्यूशन में हमको दिया हुआ क्या है, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, और जोड़ करके क्या हो जाएगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो या तो ये दोनों का अलग अलग निकालिए, और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला पर हम पुट कर देंगे कि छोटा वृत्त के क्षेत्रफल का योग बराबर नया वृत्त का क्षेत्रफल, दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग बराबर हो जाएगा बड़ा नए वृत्त का क्षेत्रफल। या निकालना है तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया ए से, तो ये हो जाएगा A1 बराबर फार्मूला तो वही पाई आर स्क्वायर, R1 है तो R1 का स्क्वायर। अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले कि दो वृत्त को जोड़ करके बड़ा वृत्त मिल रहा है, तो उसमें पाई का मान नहीं पुट करना है, पाई का मान क्या करेंगे, नहीं पुट करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे, इंटू R1 का मान 8 का स्क्वायर, पाई इंटू 64 कितना होगा, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा कितना होगा, A2 बराबर फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, R2, फिर यहाँ मान पुट करेंगे आर का मान 6 का स्क्वायर बराबर पाई इंटू 36 यानी पाई 36 पाई आर स्क्वायर, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमको क्या कह रहा है प्रश्न से, प्रश्न से नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये दोनों का योगफल A1 प्लस A2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, नया वृत्त या फिर बड़ा वृत्त। अगर ये हम लिए R1 R2 तो इसको सिर्फ R ले सकते हैं, ठीक है, तो इसको A लिख सकते हैं, बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। अब फिर फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों का मान, इधर क्या करेंगे, ये दोनों का मान पुट करेंगे, यार A1 का मान कितना है 64 पाई प्लस A2 का मान कितना है 36 पाई, ठीक है।
अभी दोनों को जोड़िए, 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100 पाई बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर। निकालना क्या है, आर का मान, क्या निकालना है, आर का मान। तो यहाँ देखिए तो पाई से पाई कैसे, पाई से पाई क्या हो जाएगा, इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, गुना में तो भाग में, तो भाग में आएगा तो कैंसिल, तो दोनों तरफ कैंसिल, बचा क्या आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर बराबर कितना होगा, स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म तब अंडर रूट, अंडर रूट 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 सेंटीमीटर आंसर। यानी बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर, यही को इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्या यहाँ क्या था, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पर आपको कह सकता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिमाप या परिधि, परिधि दोनों वृत्तों के परिधि, दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इसमें कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्षेत्रफल बराबर, और अगला क्वेश्चन में यही क्वेश्चन रहेगा, निकालने के लिए क्या दे सकता है, परिधि के योग के बराबर। तो इसमें परिधि निकालेंगे, इसका भी परिधि निकालेंगे, इसका भी परिधि निकालेंगे, और दोनों वृत्त, नए वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्त का परिधि का योग, परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें भी पाई का मान पुट नहीं करना है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद वहां से आर का मान निकाल लीजिए। तो आपकी बुक में परिधि वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और भी इसी आधारित बहुत सारा क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज में, किसी भी बुक में, उसको आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर का, 2 अंक या 3 अंक का, बहुत ही आसान, सिर्फ फॉर्मूला पर पुट करना है और हल्का देना है। देखिए अगला टाइप क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप, दो क्वेश्चन एक ही में ज्ञात करें, जिसके त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, मान लेंगे इसका केंद्र वो है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड कटा हुआ है जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री। त्रिज्या कितना है, 6, ये भी 6 और ये भी 6। निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसका परिमाप, दो चीज, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला पर पुट कर देना है। सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या क्या दिया हुआ है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा इस टाइप का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान यहाँ पुट कर देंगे 22 बटे 7, आर का मान दे देंगे 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6, कटेगा तो इसको काटेंगे 6 छक 36, 1 6 से 1 6 कैंसिल, और कटेगा नहीं कटेगा 22 छक 32 से 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में हल कर देंगे, नहीं तो इतना आंसर, एक आंसर हो गया। दूसरा हमको क्या निकालना है, परिमाप, किसका परिमाप, तो त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करें, क्षेत्रफल एवं परिमाप किसका, तो त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति सब एक ही है, बता चुके हैं, तो इसका त्रिज्यखंड का परिमिति क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ से यहाँ तक परिमिति का मतलब क्या, परिमिति का मतलब जो त्रिज्यखंड बना हुआ है उसके चारों तरफ घेरना,
चारों तरफ हमको क्या करना है, घेरना है, घेरा डालना है, इसको बाउंड्री कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला भाग आपको क्या कहलाएगा, चाप की लंबाई, इतना क्या कहलाएगा, चाप की लंबाई। और ये क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्यखंड की त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो चाप की लंबाई प्लस त्रिज 2 प्लस त्रिज्या, एक त्रिज्या एक त्रिज्या, तो दो गो त्रिज्या इसमें क्या होगा, जुटेगा। तो चाप की लंबाई अगर इसी क्वेश्चन में कहेगा चाप की लंबाई ज्ञात करें, तो भी इसमें देखिए आ रहा है चाप की लंबाई फार्मूला प्लस 2 त्रिज्या। इसका फार्मूला क्या होगा, चाप की लंबाई अगर नाम इसका देंगे ए और बी, तो चाप ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई प्लस 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, मान पुट कर दीजिए, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, मान पुट करना है, इसको मान पुट करके हल कर देंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 बटे 360 और 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 प्लस 2 गुने आर का मान 6, हल कीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या, यहाँ पर आपको बच गया 44/7 प्लस 6 2 12 बटा कुछ नहीं तो 1। इसको एलसीएम लेकर हल कर दीजिए, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर, क्या निकालना है, परिमाप, परिमाप का यूनिट इकाई में, सिर्फ अगर त्रिज्या रहेगा मीटर में तो आंसर मीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर वर्ग में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, इस पर एक नंबर, अगर आप यूनिट गलत कीजिएगा तो एक नंबर कट जाएगा, अगर सही भी बनाए तो सिर्फ आएगा, अगर मान लिया जाए आंसर आया इतना, इतना क्या, अगर ये नहीं देंगे तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर क्या है, रुपया पैसा क्या है, कुछ पता चलेगा, कुछ नहीं, इसलिए यूनिट देना बहुत ही जरूरी है, यूनिट नहीं दीजिएगा तो आपको एक नंबर काट लिया जाएगा, आंसर मिल जाएगा फिर भी। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो नहीं बने तो हमको यूट्यूब चैनल TH30 एजुकेशन या टेलीग्राम चैनल TH30 एजुकेशन पर कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप सभी स्टूडेंट को लाभ हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पेंडुलम, पेंडुलम किसको कहेंगे, पेंडुलम कहा जाता है क्या, घड़ी, घड़ी जिसका पेंडुलम नीचे वाला भाग एक ऐसा ऐसा डुलता रहता है उसको कहा जाता है पेंडुलम, घड़ी में होता है पेंडुलम। एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है, तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करें। मान लिया जाए देखिए ये घड़ी है, ये क्या है आपका, एक घड़ी है, घड़ी का आकृति बहुत सारा रहता है आपका, त्रिभुजाकार घड़ी भी मिलेगा, दीवार घड़ी, त्रिभुजाकार भी मिलेगा, वर्गाकार भी मिलेगा, आयताकार भी मिलेगा, बहुत तरह तरह डिजाइन का मिलेगा, लेकिन उसका जो सुई होता है वो कैसा घूरता है, सुई हमेशा एक वृत्त के रूप में घूरता है, एक गोल आकृति में ही घूरता है, वृत्त के रूप में ही घूरता है, या यहाँ पर आपका लगा हुआ है काटा। अब इसमें देखिए एक पेंडुलम लगा है, तो ये हुआ घड़ी का साइज, लेकिन पेंडुलम क्या रहता है, तो घड़ी के साइज से थोड़ा बाहर तक, तो ये पेंडुलम लगा हुआ है, थोड़ा दूर इधर जाता है और फिर थोड़ा दूर घूर करके इधर आ जाता है, इतने दूर पर ये पेंडुलम क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तब देखिए केंद्र से हम इसको अगर मिला देते हैं दोनों भाग को, जहाँ जितना दूरी तक ये पेंडुलम दौल रहा है, तो इतना देखिए तो एक बन रहा है हमको चाप के त्रिज्यखंड, इतना देखिए तो एक त्रिज्यखंड बना हमको, इतना क्या बना, एक त्रिज्यखंड बना, इतना भाग क्या बना, एक त्रिज्यखंड, जिसका त्रिज्या कौन होगा, तो पेंडुलम की लंबाई, जो पेंडुलम की लंबाई होगा वही क्या बन जाएगा, त्रिज्या, ये मान लिया जाए केंद्र है, तो हमको ये वाला भाग से कोई मतलब नहीं है, अभी इससे हमको मतलब हो गया, ये हो गया आपका पेंडुलम, ठीक है।
तो क्या कहता है, 60 डिग्री के कोण पर, कितना डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर ही आगे पीछे दोलन कर रहा है, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में दोलन कर रहा है, इसी रूप में सेकंड के अनुसार ये दोलन करता है 60 डिग्री। ई भाग और ई भाग के बीच का डिग्री कितना है, कितना कोण बनता है, तो 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 60 डिग्री पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप, चाप कितना बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यही लंबाई आपका क्या कहलाता है, चाप। ये चाप कितना लंबा है, कितना लंबा है, 8.8 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई हो गया। तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करनी, जो पेंडुलम है ये कितना लंबा है वही हमको ज्ञात करना है, यानी इसकी लंबाई या इसकी लंबाई या इसकी, सब आपस में बराबर क्या दिया हुआ है, तो ये हम पेंडुलम की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का त्रिज्या, पेंडुलम सॉल्यूशन में पेंडुलम की लंबाई बराबर त्रिज्यखंड बने, त्रिज्यखंड की त्रिज्या दोलन द्वारा एक पूर्ण दोलन द्वारा बने त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या कितना, आर, त्रिज्या क्या, आर, तो चाप की लंबाई हो जाएगा। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर कितना, 8.8 सेंटीमीटर, इतना मीटर लंबा चाप बनाता है, मतलब चाप की लंबाई बराबर 8.8 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला कितना हो गया, थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 2πr × 2πr बराबर कितना, 8.8, सबका मान पुट कर दीजिए, थीटा बराबर 60 डिग्री बटे 360 2π का मान 22/7 इंटू आर का मान ज्ञात करना है, आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है बराबर 8.8 हल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6×6 36 3×2 6 बचा क्या है, 22r 22×r बटे 27 बराबर 8.8। यहाँ से हमको r का मान निकालना है, तो r बराबर इधर जाएगा गुना में 88×21 बटे 22, अब यहाँ देखें 8.8 हम 88 लिखें तो पॉइंट खत्म करेंगे तब 10, नीचे में पॉइंट के लिए हुआ है ना, यह कंटम 1 0, इसको हल कर दीजिए, 22×4 88 21×4 84 बटे 10, फिर इसको पॉइंट में बदलेंगे तो 1 पर 1 0 तो एक अंक के बाद दशमलव, 8.4 सेंटीमीटर, यही होगा पेंडुलम की लंबाई त्रिज्या। पेंडुलम की लंबाई क्या चीज में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर रहता है तो मीटर, जो रहेगा यूनिट वही। इसमें आपको हो सकता है कि बने त्रिज्यखंड, पेंडुलम द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हो सकता है आपको पेंडुलम की लंबाई दिया हुआ रहेगा कि एक घड़ी के पेंडुलम की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो एक दोलन में कि एक दोलन के द्वारा बने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिज्यखंड बनेगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ होगा, उस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप बनाइए, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस कीजिए, मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगला टाइप क्या है, एक घड़ी, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उस सुई द्वारा 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ये घड़ी दिया हुआ है, घड़ी, फिर हम बता रहे हैं कि घड़ी में, घड़ी का साइज बहुत अलग अलग रहता है, त्रिभुज भी, आयताकार भी, वर्गाकार भी, अवृत्ताकार भी, लेकिन उसका सुई जो है मिनट वाला, सेकेंड वाला, घंटा वाला किस रूप में घूमता है,
एक वृत्त के रूप में। तो हमको मान लिया जाए घड़ी की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक घड़ी के सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर। 35 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें उस सुई द्वारा। हमको ये दिया हुआ है घड़ी के सुई की लंबाई, मान लिया जाए यहाँ पर बजता है 12, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, इसी रूप में बजता है। बाकी बीच में रहेगा आपको 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब देखिए एक घड़ी के सुई की लंबाई दिया हुआ है कितना, घड़ी के सुई की लंबाई हमको दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो इस सुई द्वारा 35 मिनट में, अब देखिए यहाँ पर यही पर मेन में पॉइंट है, कितना है 35 मिनट। तो ये घड़ी की सुई कितनों बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, पूरा पूरी जब बजेगा तो कहाँ पर रहेगा मिनट का सुई? किसी भी घड़ी में जब पूरा पूरी बजता है, 1 बज गया, 2 बज गया, 5 बज गया, 7 बज गया, तो उस समय मिनट की सुई कहाँ पर रहता है? मान लिया जाए 9 बजा, तो मिनट की सुई कहाँ पर रहेगा? घंटा का सुई 9 पर, तो मिनट की सुई कहाँ पर रहेगा? तो मिनट की सुई आपको रहेगा 12 पर। मिनट की सुई कितना पर रहेगा? 12 पर। मिनट की सुई 12 पर। अब जब 12 बज के कितना मिनट है? 35 मिनट। जब 9 बज के 35 मिनट होगा, 9 बज के 35 मिनट, तब मिनट की सुई कहाँ पर रहेगा? 9 बज के 35 मिनट यहाँ पर आएगा तो 30 मिनट, यहाँ पर आएगा तो 35 मिनट। मिनट की सुई कहाँ पर रहेगा? 7 पर। कितना पर? 7 पर। ये हो गया मिनट की सुई। तब यहाँ से यहाँ तक आने में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना, ये हमको पहले निकालना होगा। यहाँ मिनट दिया हुआ है, थीटा का मान, इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको थीटा का मान दिया हुआ रहता था, इसमें नहीं दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर क्या करना है? थीटा का मान ज्ञात करना है। अब घड़ी के सुई की जो लंबाई होगा, किसी भी घड़ी में घड़ी के सुई की जो लंबाई होगा वही आपका त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या। यानी सॉल्यूशन में हमको r बराबर दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा हमको निकालना है, थीटा नहीं दिया हुआ है। एक थोड़ा सा देखिएगा, एक घंटा यानी एक पूरा चक्कर में जब मिनट के सुई एक पूरा चक्कर लगाएगा तब केंद्र पर कितना डिग्री का कोण, एक पूरा चक्कर लगाया, एक पूरा बार घूम गया, एक ही पूरा बार घूम गया, तो एक पूरा बार किसी भी बिंदु के परितः एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना कितना आपको मिनट हुआ, मिनट के सुई द्वारा एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना मिनट होगा? तो 60 मिनट। एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना डिग्री, मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण? 60 मिनट में एक चक्कर, तो एक चक्कर में 360 डिग्री, यही हमको मिल गया। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण? 60 मिनट बराबर 360 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 35 मिनट। कितना मिनट? 35 मिनट। तो यहाँ से एक मिनट में कितना डिग्री? एक मिनट बराबर कम की ज़्यादा? कम की ज़्यादा, तो कम। कितना? तो ये भागा हो जाएगा 60 से, 6 36। कितना डिग्री? 6 डिग्री। एक मिनट में कितना आया? 6 डिग्री। तो ये याद रखिएगा, मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। ये आपको सब दिन काम देगा। आप जब तक पढ़ेंगे
तब तक आपको ये काम देगा, मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। यहाँ कितना मिनट है, 35 मिनट, तो 35 मिनट में कितना डिग्री, एक मिनट में 6, तो 35 मिनट में, तो 35 गुना 6 कितना आएगा, 6 5 30 और 6 18 3 21 डिग्री यानी 210 डिग्री। कितना डिग्री, 210 डिग्री। यानी हमको थीटा का मान मिल गया कितना, 200, थीटा बराबर भाग बराबर कितना, 210 डिग्री। जब यही हमको निकालना था मेन, अब क्या निकालना है, रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमको एरिया मिला इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये त्रिज्यखंड हो गया, क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, थीटा सब मिल गया, थीटा का मान हो गया, आर का मान दिया हुआ है, तो मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट में बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान पुट कर दीजिए, थीटा का मान 210 बटे 360, पाई का मान 22/7, अब आर का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, तो 12 × 12, इसको हल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36, 3 बार में कैंसिल, 7 21, 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बचा, कुछ नहीं, तो 22 × 12, 12 × 24, 24 4 6 2 264 क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ हो मिनट वाला, तो अब मिनट वाला में डायरेक्ट का बात रखिएगा, एक मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, जितना मिनट रहेगा उतना 6 में गुना कर देंगे तो डिग्री मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपको बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, टोटल को इस टाइप को बनाइए। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया था, बहुत जगह आपको देगा चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, जहाँ जो देगा वहाँ वो चीज़ को हमको निकाल देना है, ठीक है। चलिए देखिए, आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, बाकी अगला टाइप जो होगा हम अगले दिन बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है।